डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। नमस्कार, मैं जिया और आप देख रहे हैं फास्ट फाइव। दोबारा की कड़ी प्रतिहत के बाद आज मेयर विकास प्राधिकरण पुलिस और प्रशासन की टीम ने परीक्षितगढ़ रोड स्थित बसपा नेता दारा सिंह प्रजापति की उस अवैध कॉलोनी को जमींदोज कर दिया, जिस पर दारा सिंह ने अपने बचाव में प्रजापति समाज की फौज को आगे कर दिया था। ये फौज हाथ में तिरंगा व भाजपा के झंडे लहरा प्रशासन को खुली चुनौती दे रही। दिलचस्प बात ये भी रही कि दो बार से अपने तीखे तेवरों से MDA पुलिस में प्रशासनिक अफसरों को जो दारा सिंह धमका रहा था, आज जब उसकी कच्ची कॉलोनी जमींदोज की गई तो वे मौके से गायब था। प्रजापति समाज की फौज कर ही प्राधिकरण टीम की बेरंग वापसी के बाद अपने घरों को जा चुकी थी। तीखे तेवर खत्म हो गए कैसे? सब ध्वस्त हो गया कैसे? जानने के लिए देखते रहिए फर्स्ट बाइट। सब कुछ ध्वस्त होने के बाद पहुंचे दारा सिंह प्रजापति ने फर्स्ट बाइट टीवी से यह कहा, ये बुलडोजर चला दिया है, क्या हुआ? ये सरकार की मर्जी, मैंने घर पे चलाएगी आपकी सरकार की मर्जी। उससे पहले जो आपके समाज के लोग इकट्ठा हो रहे थे और आप भी अभी तो समाज के लोग हैं, तो आपको कोई आपत्ति नहीं है आपकी कॉलोनी पर? नहीं, मुझे सरकार के काम में करती रहेगी, क्या आपत्ति करेगी? तो आप ये मानते हैं कि आपकी कॉलोनी अवैध थी? अवैध नहीं, मैंने फार्म हाउस है, यहाँ पे गौशाला है। आप उधर ढाके तो उनकी मर्जी है। अच्छा, आपकी जो बाकी की संपत्ति है उस पर भी कार्रवाई की जाए आगे, तो आप क्या दिक्कत है? सरकार के वोट हैं 99% जो चाहे हम पकड़ लेंगे। अच्छा, कल तो आपका समाज बोल रहा था कि तो समाज यहाँ तो राय इकट्ठा होता है। अभी समाज ये धोखे से करके गए। नहीं नहीं, आप पहले एक बात सुनो, अगर मैं रात को सोया हुआ हूँ जागरण था मेरे घर पे, कल आपका समाज भाजपा के खिलाफ था और आज आप बोल रहे हैं कि सरकार जो करे वो ठीक है, आप भाजपा की सरकार किसी के साथ खात भी कर सकते हैं। सरकार की मर्जी होती है, वे अत्याचार कितने किन लोगों पर कर सकती है वो उनकी मर्जी है, उसे हम रोक नहीं सकते। और ये देखो तुम, अरे मैडम कल क्यों नहीं कर पाएगा, कल क्यों नहीं कर तुम बताओ क्यों नहीं कर पाएगा? तो आज क्या अगर उनकी हिम्मत आप आ जाओ, चलो मैं चल रहा हूँ। कल भी तो आपके खिलाफ और बाकी जो आप, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे यहाँ जागरण था, मेरे यहाँ जागरण था, रात में सुबह सुबह 8 बजे पता लगा धारे तो ढालो भैया, मैं आया हूँ। MDA और आपके बीच कुछ फैसला हुआ था 2 दिन की आपने मोहलत मांगी, वही क्या कहे थे की रुक जाओ हम देख ले 2-3 दिन बाद, मगर बेईमान वे निकले, हमें क्या है, हम तो चोर नहीं। अच्छा, तो 2 दिन की मोहलत आपको नहीं दी गई, 24 घंटे की भी नहीं दी गई मेरे हिसाब से, 1 घंटे की भी नहीं दी गई। कल शाम के टाइम ये फैसला हुआ था ना कि 2 दिन की मोहलत दी जाए। अधिकारी आए थे, बाकायदा कहा था, हमने उनसे कहा था कि आप पूरी जांच कर ले ये है क्या, मगर नहीं, उनकी मर्जी, कोई बात नहीं। तो आपको कोई आपत्ति नहीं है? नहीं, आपत्ति तो अब आगे समाज आएगा, आपत्ति का तो पता लगेगा क्या होगी आपत्ति। तो आप क्या कुछ बड़ा करने वाले हैं? आपके देखते समाज बताएगा, अभी समाज को बताएगा, मैं नहीं बताऊंगा। समाज के मुखिया तो आप ही हैं, आप ही बताएं। मुखिया नहीं हो, अभी समाज जो कहेगा वो करूंगा। पूरी कॉलोनी गिरा दी गई है, लेकिन वैसे तो यहाँ पर प्रजापति समाज मौजूद नहीं है, लेकिन 2-4 लोग यहाँ पर मौजूद है प्रजापति समाज के, उनसे बात करते हैं कि आज कहाँ गए उनके झंडे और कहाँ गया उनका समाज। पूरी कॉलोनी गिरा दी गई है, कोई भी नहीं आया। क्या नाम है आपका? तो दीपक कहाँ थे आप, कहाँ है आपका समाज? समाज अब पूरी रात को 3 बजे आने लगे, तो समाज आ जाएगा क्या? अच्छा, 3 बजे यहाँ पर कार्रवाई की गई है? 3 बजे नहीं, सुबह ऐसी करीब 4 बजे के आसपास, 4-5 बजे। आपके पास इस चीज की इत्तला नहीं थी कि यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी? हमारे पास कुछ पता ही नहीं था कि आज कार्रवाई करेगी, कल कार्रवाई के लिए बोला था। तो जैसे ही आपको पता चला यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, उसके बाद भी समाज नहीं आया आपका? उसके बाद हम आ गए, और समाज के लोग इधर उधर है, तो हमारे इधर उधर है, लेकिन कार्रवाई क्यों नहीं रोकी? कार्रवाई रोकने की कोशिश करी थी, क्योंकि प्रशासन इतना तगड़ा था, वो उनके पास MBA के थे अधिकारी, उनके पास सारे कागजात थे। अच्छा, आपके झंडे कहाँ गए आजकल? झंडे इन्होंने JCB ने झंडे सब दाब दिए हैं, झंडे थे काफी, डंडी डंडी रहेगी, बस हमारे हाथ में डंडी रहेगी। JCB ने तिरंगा भी नहीं छोड़ा? नहीं, सब दाब दिए, पता नहीं कहाँ है, सब दाब दिए इनके अंदर।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइटिंग और हाँ अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है जैना ज्वेलर्स आबुलेन मेरठ।